आप बताएं मुझे हम मतलब अपने आज तुम्हारे माशाल्लाह दोनों गेस्ट ने हमें चार्ज्ड अप कर दिया और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं कल से ना जरा जॉगिंग वगैरह दोबारा से शुरू करता हूँ स्टेमिना क्योंकि लाइफ में सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए जरूरी नहीं है आप कुछ भी काम करें उसके लिए आपका स्टेमिना होना बहुत जरूरी है फातिमा आपसे मैं पूछूंगा कि आपका कैसा किसी स्पोर्ट्स में रुझान था क्योंकि माशाल्लाह से आपका जो कद है वो आपको असूलन तो घर के बल्ब बदलने चाहिए हाँ हाँ बिल्कुल या डाले उतारने चाहिए होना चाहिए नहीं आपको बास्केटबॉल मैं आपको यही बताने लगी हूँ कि मेरे फादर जो हैं वो बास्केटबॉल बहुत शौक से खेलते थे माशाल्लाह हमारे घर में हमने बास्केटबॉल की नेट लगाई थी और सब कुछ एंड आई वॉज वेरी स्मॉल मेरे ख्याल से 9th क्लास तक मेरी हाइट बहुत छोटी थी मतलब वो बाकायदा एक छोटी हाइट में मेरी हाइट आती थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा अपसेट भी होना शुरू हो गई क्योंकि मेरी फैमिली में हाइट है मेरे अब्बा इज माशाल्लाह वेरी टॉल और वो तो उसकी वजह से मेरे अबू ने जब मुझे खिलाना शुरू किया एक तो मैंने बास्केटबॉल बहुत खेला सही क्योंकि अबू भी खेलते थे दूसरा हम लोग जॉगिंग बहुत करते हैं वेरी नाइस वेरी नाइस तो मेरे ख्याल से अगर आप शुरू से इन चीजों की तरफ रहो तो वो खाली एक आपको हेल्थ के लिए भी बहुत एक चीज अच्छी रहती है स्पोर्ट्स पे रहने से और मैंने देखा है वो एक मजा होता था आप फिट रहते हैं हमें इंतजार रहता था कि कब बाबा घर आएंगे और हम लोग सारे खेलेंगे वो एक्सरसाइज के बगैर डेली माशाल्लाह वो घर पे मतलब बगैर कहे एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग योगा कर रही है एक्चुअली ये बात ही होती है कि जब आप यूज्ड टू हो जाते हो एक चीज से आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है तो आप रह नहीं सकते अदनान भाई से बल्कि सॉरी मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा अदनान भाई मुझे बताएं कि आजकल के यंगस्टर्स है ना उनका फोकस ये होता है कि हमने बॉडी बिल्डिंग करनी है बॉडी बनानी है क्योंकि बॉडी बनी होगी तो हम बड़े स्ट्रांग होंगे जी जी आप मुझे बताएं स्ट्रेंथ का ताल्लुक क्या बॉडी बिल्डिंग से है या स्ट्रेंथ का ताल्लुक इनर से नहीं बेसिकली स्ट्रेंथ का जो एक्चुअल जो लिंक हम कहेंगे वो जस्ट मसल्स के साथ नहीं है ठीक है अब मसल्स बिल्टअप तो कर लेते हैं बल्कि आजकल मैं ये आपके इस फोरम से कहना चाहूँगा कि आजकल बॉडी बिल्डिंग में बहुत हद तक अनएथिकल जो है ना वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो चुकी हैं यानी कि आप स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं मल्टीपल मेडिकेशन जिससे आप चंद महीनों में अपना जो है ना मसल्स बिल्टअप करना चाह रहे होते हैं बिल्कुल ठीक है लेकिन उससे मसल्स बिल्टअप तो कर लेते हैं लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो आपको आती है मार्शल आर्ट की एक्सरसाइजेस के साथ यानी आप देख सकते हैं कि एक स्लिम बॉडी का आदमी जो है एक अच्छे खासे बॉडी बिल्डर को बहुत इजीली हैंडल कर सकता है वेरी इजीली जबकि एक बॉडी बिल्डर इन द स्ट्रेंथ डेफिनेटली क्योंकि तो बॉडी बिल्डर मसल्स बिल्टअप तो कर लेता है हार्ट भी मसल्स हो जाते हैं बट ही डोंट नो हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ के कैसे आपने पंच या किक या डिफेंस कैसे करना है अटैक कैसे करना है तो जस्ट खाली बॉडी बना देने से ही आपका मकसद हल नहीं होता मिसाल वो ब्रॉयलर मुर्गी वाली है ना कि मुर्गी कितनी सुस्त होती है और देसी मुर्गी कैसे है बारीक सी होती है लेकिन उछल उछल के वो जो है दूसरा एक चीज थोड़ा सा ये भी है जब आप बहुत हैवी साइज बना लेते हैं और आप जब कंटिन्यू नहीं कर पाते उसको तो वो बाद में आपकी बॉडी डी शेप होना शुरू हो जाती है वो आपकी बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है सर आपसे एक ये चीज पूछना चाहूंगी कि ये मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग इनकी कोई प्रॉपर अब कोई जगह है जहाँ पे हम बच्चों को भेज सकते हैं ट्रेनिंग के लिए या जी जी इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका इसमें मैं कहना चाहूंगा किस वक्त कराटे को या ओवरऑल मार्शल आर्ट को ले लें इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काफी इंस्टीट्यूट्स हैं लोग इवन प्राइवेट सेटअप पे छोटी छोटी जगहों पे अपने सेंटर्स चला रहे हैं और इवन अंडर माय सुपरविजन चार क्लब चल रहे हैं दो इस्लामाबाद में दो पिंडी में जो जिसमें मेरे अपने ब्लैक बेल्ट जो हैं अच्छा। वो ये क्लब्स रन कर रहे हैं इवन मेरा अपना छोटा भाई भी माशाल्लाह वो भी इस फील्ड में है और वो भी क्लब देख रहा है तो उसमें यह कि अपॉर्चुनिटीज हैं हम ये नहीं कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को ये कहेंगे गवर्नमेंट ही एक कम्प्लेक्सेस बनाती जाए और हम तो उसका वेट करें आप ये देखें अगर जो लोग प्राइवेटली अपने सेटअप चला रहे हैं जिन्होंने अपनी अचीवमेंट्स की और बाद में अगर उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला लेकिन वो अपना प्राइवेट सेटअप चला रहे हैं लेकिन दो वो अगर प्रॉपर एक्सपर्ट हैं कोचेस हैं तो आपको बच्चों को भेजना चाहिए ताकि वो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है सबसे जो बेस्ट गेम है बाकी तो कोई ना कोई गेम होनी चाहिए लेकिन कराटे स्पेशली बच्चों के लिए हमारे पास एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक पैकेज पड़ा है हम उसके बाद वापस आएंगे तो हम आपसे ढेरों क्वेश्चन करेंगे फातिमा के ज़हन में भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है लेकिन मेरे ख्याल से हम पहले पैकेज देखते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं